भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट मैच केप टाउन के न्यूलैंड्स में खेला जाना है। टेस्ट मैच के पहले दिन 3 दिन बारिश होने की कोई संभावना नहीं है और मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। हालांकि चौथे और पांचवें दिन इंद्रदेव केप टाउन में रोमांचक मैच का मजा किरकिरा कर सकते हैं। बारिश होने के चांस चौथे दिन 40-50% है, जबकि टेस्ट के आखिरी दिन बारिश होने की संभावना 5-10% है। केप टाउन के न्यूलैंड्स ग्राउंड पर तेज गेंदबाजों का बोलबाला रहता है। पिच से मिलने वाले बाउंस की मदद से फास्ट बॉलर्स कहर बनकर टूटते हैं। यही वजह है कि इस मैदान पर काफी कम टेस्ट मैचों का नतीजा ड्रॉ के रूप में आता है। बल्लेबाजों के लिए केप टाउन में रन बनाना काफी मुश्किल काम रहता है। केप टाउन के इस मैदान पर अब तक कुल 60 टेस्ट मैच खेले गए हैं, जिसमें से 23 में जीत पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम के हाथ लगी है। वहीं 25 मैचों में मैदान चेंज करने वाली टीम ने मारा है। पहली पारी में औसत स्कोर 325, दूसरी में 292, तीसरी में 234 और चौथी इनिंग में 163 रहा है। यानी चौथी पारी में बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ती है। भारतीय टीम रोहित शर्मा की कप्तानी में साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज जीतकर इतिहास कायम कर सकती है। टीम इंडिया ने अभी तक जितने भी साउथ अफ्रीका के दौरे किए हैं, सभी में उसे टेस्ट सीरीज गंवानी पड़ी है। हालांकि एक बार MS धोनी की अगुवाई में टीम इंडिया साउथ अफ्रीका में जाकर मेजबानों से टेस्ट सीरीज ड्रॉ करने में सफल रही थी। पहले टेस्ट मैच में टॉस भारतीय समय अनुसार दोपहर 1 बजे होगा, वहीं मुकाबले में पहली गेंद दोपहर 1:30 पे फेंकी जाएगी।